माई चैनल। देखो सब बार आ गए बिकॉज मैं अभी दिल्ली गई हुई थी मेरी मदर के लिए। इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें मैं बात नहीं कर पाई, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी मदर की तबीयत बहुत बेटर है और उनको हॉस्पिटल से हम लोग ले आए हैं। लेकिन अब जब अविनाश वापस आ जाएगा तब मैं एक बार दोबारा दिल्ली जाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स मेरे पास आए कुछ टाइम के लिए, एंड आई रियली वॉन्ट कि मैं अपने मदर के साथ रह सकूँ। अविनाश गया और मुझे वापस आना पड़ा, मैं वरना वापस अभी आना नहीं चाहती थी। एक आध चीज है, जैसे कि अभी लास्ट मेरा वीडियो गया तो आप लोगों को पता ही है कि मैं कितना ज्यादा भड़की हुई थी। सो अभी वो सब बकवास बातें खत्म हो गई हैं और मुझे लगता है कि मुझे अपनी व्लॉगिंग पे वापस आ जाना चाहिए। सो तैयार हो मेरे साथ चलने के लिए? तैयार हो ना, आ जाओ। और आज मैं सोच रही हूँ कि मैं जा रही हूँ तो केंडू मामा को अपने साथ लेके जाऊँ। केंडू मामा के साथ चलना है बार, मामा नेल्स कराने जा रही है। आप जाओगी मामा के साथ? चलना है ना, कम ऑन छूना। और जो मेरा चेहरू है वो गटर का कुत्ता बना हुआ है, पता नहीं क्यों नंगन नंगंडा हुआ है। मेरा कोको बेबी आराम से बैठा है। मैं कैंडी को अकेले इस समय इधर छोड़ना नहीं चाह रही हूँ क्योंकि बेचारी बहुत ज्यादा हो जाएगी। ऑल्सो दोनों, बाकी दोनों भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं, लेकिन वो फिर भी मैनेज कर सकते हैं, बड़े हैं। लेकिन ये बेचारी देखो ना कैसी बन जाती है, देखो। तो आज मैं सोच रही हूँ ना कि इसको अपने साथ नेल्स पार ले जाऊँ। डीना भी कभी मिली नहीं है, डीना भी मिलेगी। आई डोंट नो बिंदु वहाँ पे है कि नहीं, मुझे पता नहीं है। बट बहुत ज्यादा मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाऊंगी वहाँ पे बिकॉज इसको साथ में हैंडल करना इज नॉट इजी। आपके कपड़े कहाँ हैं? मेरे को एक ये भी नहीं पता ना इसके कपड़े कहाँ हैं, कपड़े किधर रखे हुए हैं। मैं देखती हूँ शायद इधर को रखे हो। तो इसके बाद अगले 5 साल तक मैं घर में हाथ नहीं लगवाऊंगी किसी चीज को, आई प्रॉमिस यू। मेरा दिमाग खराब हो चुका है यार, नहीं मिल रहे मुझे कपड़े, नहीं मिल रहे इसके कपड़े। मैं दिखा देती हूँ आपको हाल क्या घर में, ये देख लो हालत। एज इट ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है बट फिर भी बहुत ज्यादा इस समय हालत खराब हुई हुई है घर की, देख लो जरा। एंड दिस इज द फ्रिज जो मैं अभी तक खोला नहीं है। सो मुझे याद आ रहा है कि सैमसंग का लिया था, मुझे लग रहा था मैंने एलजी का लिया है। दिस वॉज द फ्रिज। और सोचो अविनाश नहीं है और मैं अकेले ये सब मैनेज कर रही हूँ। कैंडी को लेकर मैं निकल रही हूँ। छोना चलो लेट्स गो। चलो 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 भैया, छोना चलो 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 Let's go, आ जाओ, आओ मामा के साथ, आ जाओ। साथ में मामा के जा रहे हो, आप घूम ही जाओगी मामा के साथ। She is so excited, देखना अभी खुद ही लिफ्ट में घुस जाएगी। चलो let's go, चलो। Actually इसको विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं इसको लेके जा रही हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से मैं इसको नीचे नहीं लेके जा पा रही हूँ। मतलब इनका वॉक कराने वाला आता है लेकिन मेरे साथ नहीं जा पा रही है, तो she couldn't believe कि मैं मेरे साथ जा रही है। ये घूमी घूमी करके आएंगे, आपके भी नेल्स बनवा दूंगी मैं। चलो कमान आप अचानक क्या हो गया आपको? चढ़ तो जाते थे आप, वहाँ जाओ चलो। अभी वहाँ बैठोगे तो ड्राइव आप कर रहे हो क्या? मेरे को लग रहा है ये ठीक फील नहीं कर रही है। मैं देख भी रही हूँ कि सुबह से ये थोड़ा सा खांस रही है। ऑल्सो घर में ना धूल मिट्टी बहुत ज्यादा है। कहाँ हो गया चुना? मम्मा के साथ तो घूम ही करने जा रहे हो आप तो इतना खुश होते हो। शिफ्ट दैट साइड, कमान चलो। मैंने देखो एसी भी आपकी तरफ कर दिया, को भी अभी ठंडी हवा आएगी। ठंडी हवा कहाँ लियो मेरे बेबी को, मेरा बच्चा, मेरा सोना। मैं अभी आधे रास्ते पे हूँ और इसकी हालत देख लो। वहाँ नहीं बैठ रही है। मैं बबलू कहाँ हो गया? गाड़ी चलाने दो अभी मम्मा को। गाड़ी चलाने दो छोना। अच्छा सो जाओ गोदी में सो जाओ, मैं चला लूंगी गाड़ी, कोई बात नहीं। चले आ जाओ, पहुंच गए हम लोग, आ जाओ कमान आओ, आ जाओ। क्या हुआ? अरे अब तो खुद उतर जाते थे, आज क्या हो गया? मम्मा बता रही है कि आ जाओ। चलो आप इधर आके बैठो, कम। अच्छा इसका बेस्ट पार्ट ये कि कभी भी ये तंग नहीं करती है ज़्यादा मुझे, तो थोड़ा सा ये अजीब सा फील कर रही है, आई डोंट नो व्हाई। ये अभी थोड़ी देर में आराम से शांत बैठ जाएगी, हो सकता है थोड़ा बहुत घूमे इधर उधर तो शांत बैठ जाएगी अभी ये। दिस इज कम ऑफ, सो आई थिंक ये पूरा ही चेंज कर लेते हैं। ऑल्सो आई वॉन्ट चेंज माई शेप ऑल्सो, अब मेरे को फेस शेप भी चेंज करनी है। पुरानी वाली शेप है, मैं उस पर वापस आ रही हूँ।
short also and that one, the square one. My little baby. मम्मा छोना ये बैठना ही नहीं चाहती, ये मम्मा की गोदी में बैठना चाहती है। जाए मेरा कान चाटने वाला कुत्ता, कान साफ करने वाला कुत्ता। छोना बैठ जाओ आप थोड़ी देर फटाफट, ये मैं सो जाएगा पक्का, बता दो मैं ज्यादा चार्ज नहीं लगाएगी मम्मा। अरे अरे क्या हो, आप वहाँ पे बैठे तो हो, इतना कंफर्टेबल हो वहाँ पे, सबको बताओ आप कितना कंफर्टेबल बैठे हो। फिर क्या हुआ, फटाफट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, फिर घर जाएंगे हम लोग, फिर मम्मा के साथ बैठ के कॉफी पी हो गया। गुड गर्ल, अरे बैड गर्ल। ये बेसिकली बोल रही है कि मैं इसको गोदी में ले लूं, अब मैं ले नहीं सकती हूं बिकॉज दोनों हाथ मेरे लिए बिजी हैं, कैसे लूं गोदी में। ऑल योर जॉय, यू कैन स्मेल ट्विक्स, ही इज आउटसाइड, सच अ बेबी, हाउ ओल्ड इज शी, शी इज 5 इयर्स ओल्ड। ओह माय, सो क्यूट, लव यू डिना, सी हाउ यू गुड। How are you? Good to see you, yeah. Looks nice. Yo, I'm really stressed. There's so much work going on. My home is clean. Yeah, I know. It's same like yours. Tina's got your treats. Take. So shy. What happened? What happened? Good girl. Tina. Oh, she can smell. Come on, come. Abhi aa gaya hai Tina ka baby bahar. Say hello. No, just be careful. That's come here, Kandu. Come here, Chunya. Okay. She can be aggressive. Huh? My little one is a little aggressive. No problem. Don't worry. They're waving to you, no? Okay. कैंडी के पूरे बाल खड़े हुए ट्रेसी को देखकर गुस्से में, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती किसी को। कम कैंडू, कम। You be a good girl now. Windu is here. ये यहाँ पे अलग ही लड़ाई हो रही है, यहाँ पे अलग सिंग हो रहा है। What is happening? Why are you fighting with him? अब जरा देख तो ले, तू कहे कितनी? उसके साथ लड़ रही है। ये देखो, जो छोटे होते हैं वो बहुत तीखी मिर्ची होती है। हाँ। लाल वाली छोटी। रोन वाली। Sorry, but I'm proud of you. And thank you. Well done. थैंक यू इंदु। इतने लोग यहाँ पे फोन करते हैं, इतनी दुनिया ब्लू स्काई पे आ गई है, ब्लॉग की वजह से हमें इतना वो मिल रहा है पूरा। लेकिन कई लोगों को, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे को यहाँ पे प्रमोशन के पैसे मिलते हैं। यार मेरा दोस्त है, इसके लिए कुछ भी करूंगी मैं। विंदु से मुलाकात हो जाती है ना महीने में एक बार, पहले मैं साल में एक बार होती थी, अब महीने में एक बार हो जाती है। अच्छा, एक बार मैं दिखा दूं सबको कि मैंने कलर कौन सा कराया। वूपा! Wow, it's looking lovely, Sammy. Nice, huh? Lovely. और तेरे कलर लगाते ये भी बड़ा पीसफुल और रिलैक्स्ड हो गई। Yeah, she wants to go home now. Yes. अभी इसको खाना खाना है ना, छोड़ वो। Vindu, you take care. I do. You have a wedding. अभी have a wedding. Sanjana and Gaurav की शादी भी हम जा रहे हैं। And Sammy, I hope you're treating your husband very well after the messages I've sent you. अरे पता नहीं ये कौन मैसेजेस कर रहा है। अविनाश को पता लगेगा ना वो और हंसेगा। क्योंकि अविनाश सबसे ज्यादा मेरी खिंचाई करता है। I don't know क्यों लोगों को ऐसा लगता है कि मैं खिंचाई करती हूँ, वो सबसे ज्यादा मेरी खिंचाई करता है। कमाल है यार विंदु। Love you all both. Love you, love you, love you. Bye bye विंदु, bye. Bye bye. So this is the color. It's a very nice pink. अगर आपको याद हो तो मैंने last time भी decide कर लिया था कि मैं ये कलर से जाऊंगी और मैं उसी पे मैंने किया। देखो इस बार ना थोड़े छोटे करा दिए बिकॉज कल मुझे ट्रैवल करना है, मैं कोलकाता जा रही हूँ ट्रैवल करना है और मैं ट्रैवलिंग में अभी अफोर्ड नहीं कर सकती बिकॉज एक तो घर का काम बहुत चल रहा है तो उसमें ये सारी चीजों में ना लंबे लंबे नेल्स नहीं चल पाते। मैं तो सोच रही थी एक बार निकाल ही दूं बट नहीं निकाल पाई, मेरी हिम्मत नहीं बनी। नाउ आई एम लीविंग, मैं मेरी कैंडी के साथ घर जा रही हूँ। कैंडी मामा वेट कर रहा है बहुत देर से गुड गर्ल बन के, सो मामा कैंडी के साथ घर जाएगी तो आपको घर पे जाकर मिलती हूँ। नहीं नहीं, इधर आओ मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरा बच्चा ना मेरे बाबू, देखो ओ ये मेरा बाबू, अरे अच्छा नहीं छोना, दे आर वेरी अपसेट विद मी। मैं छोड़ के चली गई और कैंडी को ले गई। क्विकली आई एम गोइंग टू मेक माय कॉफी। ये देख लो मेरी कॉफी की हालत यहाँ पे है, मैंने आपको बताया था ना कॉफी यहाँ पे बन रही है। अरे मीरा बेबी बॉल लेके आया है, मम्मा का बेबी बॉल लेके आया है। ये मम्मा बॉल से खेलेगा, चेची मेरे बॉल से खेलेगा। अरे बाप रे। अच्छा रुक तो जा अम्मा, तैयार हो रही है मेरी कॉफी। जहाँ पे मेकअप होता है वहाँ पे कॉफी बन रही है, बताओ। ये रही मेरी कॉफी अंदर और ये हो गया शुरू। नींद अच्छे लग रहे हैं, है ना, अच्छे लग रहे हैं ना। छोटे भी करा दिए, इस बार काम नहीं हो पा रहा था ना घर का काम भी सब निकल जाता है नींद। कॉफी इज रेडी।
अब मैं बैठी हूँ मेरी कॉफी के साथ और अब मैं थोड़ा रिलैक्स करूंगी. मैंने शाम की कॉफी भी नहीं पी हुई है क्योंकि बिंदु के वहाँ पे आज मैं बोल भी नहीं सकती थी ज्यादा, बिकॉज आई न्यू कि दे वर ऑल्सो गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. उनके घर में बहुत काम चल रहा है, जैसे मेरा घर पूरा टूटा हुआ है ना, उनका घर की और बुरी हालत है. सो आई कैन अंडरस्टैंड कि वहाँ पे वो लोग कैसे मैनेज कर रहे होंगे. तो मैंने कॉफी के लिए नहीं बोला आज उनको और उन्होंने भी नहीं पूछा मुझे. मैंने कहा ना अच्छी नागरिक हूँ मैं, मेरे को पता था ये हुआ है. मैंने घर में आके कॉफी बना ली है. नाउ आई एम गोइंग टू हैव माय कॉफी टाइम अलोन. अविनाश इज नॉट हियर. अकेले जिंदगी व्यतीत कर रही हूँ ये सारे कारीगरों के साथ. तो मैं आपको मिलती हूँ जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप मुझे ये जरूर बताइए कि मेरा ये वीडियो आपको और मेरे ये नेल्स आपको कैसे लगे. एंड डू राइट कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज संभावना सेठ एंटरटेनमेंट. एक सिप कॉफी पीनी है क्या? ये लो.